बार फिर स्वागत है ट्रिपल आर रणवीर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल नया टॉपिक, रिमूवल ऑफ फॉर्म सेटरिंग। देखिए, जब भी हम कॉलम पर या वॉल में या किस फाउंडेशन में जब सेटरिंग लगाते हैं तो उसको मतलब हमें कब हटाना चाहिए। जैसे हमने आज एक कॉलम पर सेटरिंग लगाई, उसको कास्टिंग कर दिया, तो कितने समय बाद हमें वो सेटरिंग हटानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको, तो बन रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, कॉलम बीम साइड्स, कॉलम और जो बीम्स हैं हमारी उनके जो साइड्स हैं, कास्टिंग होने के बाद हम कब खोल सकते हैं उन्हें। रिमूवल, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिमूवल, हटाना, ठीक है। वन डे, एक दिन, 24 घंटे के अंदर अंदर खोल लो आप आराम से। जैसे आज आपने कॉलम कास्टिंग किया तो कल हम उसको आराम से खोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम 10 घंटे बाद भी खोल सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो IS कोड जो कहता है, वो कहता है कि एक दिन कम से कम हमें चाहिए, एक दिन के अंदर वो अपनी अच्छे से जो सीमेंट है, अच्छे से जो मसाला है, जो अपने अच्छे से वो अपनी पकड़ बना लेता है सेटरिंग के अंदर, तो उसे फैलने का डर नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, फाउंडेशन और वॉल साइड। देखिए फाउंडेशन क्या है, इधर देख लीजिए, समझ लीजिए आप, ये कॉलम है, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे ये फाउंडेशन है, ठीक है, ये कॉलम हो गया ऐसे, ये फाउंडेशन हो गया। तो ये जो फाउंडेशन है ये करीब कितनी होती है, इसका कोई हमारे पास प्रॉपर साइज नहीं है, ये कहीं पे आपको मिलेगी 3 फिट, कहीं मिल जाएगा आपको 2.5 फिट, 2 फिट मिलेगी, 4 फुट मिलेगी। ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है कि आर्किटेक्ट ने किस हिसाब से फाउंडेशन डिजाइन किया है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर कितना मंजिल है, इस पर लोड हम कितना दे सकते हैं। तो जब इसकी जो हाइट होती है ये ज़्यादा होती है, तो इसके लिए कितने दिन मांगते हैं फाउंडेशन और वॉल साइड, 1 से 2 दिन। मतलब जैसे आज हमने कास्ट किया है तो कल भी खोल सकते हैं, वैसे अगर आप कल नहीं खोलो एक दिन और दो उस चीज़ को, तो ज़्यादा मजबूती होती है, ठीक है। वॉल हैं, वॉल मान के चल लीजिए आप, जैसे ये कि ये पूरी वॉल लगा दी, ऐसे ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये वॉल है, ठीक है, इसके दोनों तरफ सेटरिंग लगती है, इधर भी और इधर भी, इसको भी हमें 1 से 2 दिन देने पड़ते हैं ताकि इसमें रोड़े आराम से चिपक जाए और इधर उधर रोड़े फैले ना खोलने के बाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जो हमारे छज्जे होते हैं 1.5 मीटर टू 2.5 मीटर, मतलब 5 mm थिक स्लैब मोस्टली जो हमारी होती है, स्लैब की जो थिकनेस होती है हमारी मिनिमम तो होनी चाहिए 5 इंच, मिनिमम 5 इंच, बस 6 इंच भी होती है, 6 इंच से ऊपर, 5 इंच से मतलब ऊपर कितने ही हो, 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, आप ये ध्यान रख लो, ठीक है। तो मैंने जब प्रोजेक्शन दिखाया 5 इंच, अगर 6 इंच स्लैब है तो प्रोजेक्शन हमारा 5 इंच, 1 इंच कम ही डालते हैं, वो लेवल वगैरह स्लोप के लिए आगे पानी वगैरह निकल जाए जो प्रोजेक्शन का छज्जे का सामने से, ठीक है। तो प्रोजेक्शन 1.5 मीटर से 2.5 मीटर हमारा कितने दिन में खोलते हैं, 14 डेज, 14 दिन में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, स्लैब फ्लैट एरिया और बीम बॉटम, स्लैब फ्लैट एरिया और बीम बॉटम कितने दिन में, 14 दिन बाद, 14 दिन बाद हमें सेटरिंग हटानी है। अब उसके नीचे स्पैन दिखाए हुए हैं, मतलब अगर हमारा स्पैन 4.5 मीटर का है तो कितने दिन में खोलते हैं, 4.5 मीटर से 6 का है तो कितने दिन में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर साइड ऑफ ए स्लैब अप टू 4.5 मीटर स्पैन, मतलब अगर 4.5 मीटर स्पैन वाली स्लैब है, ठीक है, उसमें बीम हो या बीम वगैरह जो अपने साइड स्वीट जो हम खोलते हैं, बॉटम तो नहीं खोल सकते, वो खोल भी सकते हैं, 7 डेज बहुत होता है, यदि गर्मी का समय है तो 7 डेज में खुल जाएगा, और यदि सर्दियों का है तो सर्दियों में क्या है, जो रोडी है मतलब RCC है जो अच्छे से कंपैक्ट नहीं हो पाती, सर्दियों में थोड़ा समय लगता है, ठीक
ठीक है। सर्दियों का जो समय होता है 14 दिन होना चाहिए, कम से कम 14 डेज होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो 4.5 मीटर के जो सिपेन है ये शॉर्ट सिपेन बनाते हैं, 4.5 मीटर समझो आप, जैसे 12.5-13-14 फुट है, तो 7 डेज से 14 डेज। यहाँ सिर्फ आप ये ध्यान रख लेना कि अगर यहाँ मतलब हॉट सीजन है, गर्मी का है, हॉट सीजन है अगर, तो 7 डेज में चल जाएगा, वरना जैसे सर्दी का है तो 14 डेज चाहिए चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अंडर साइड्स ऑफ ए स्लैब अब 4.5 से 6 मीटर अगर कोई सिपेन है आपका, बीम है या स्लैब है, ठीक है, 4.5 से 6 मीटर, उसको हमें मिनिमम जो समय देना है वो 14 डेज तो देना ही देना है, क्योंकि 4.5 से 6 मीटर का जो स्पैन होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपको पता होगा कि 1 मीटर में 3.281 फुट होते हैं, ध्यान रखने चाहिए। अगर आपको ऐसी ही जानकारी की वीडियो, बेसिक नॉलेज ऑफ ए सिविल इंजीनियर की जानकारी की वीडियो चाहिए जिनमें अच्छी अच्छी जानकारी है, तो आप मेरे इस चैनल पर RRR सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर आप देख लें, दबंग सीरीज के नाम से मैंने 7 पार्ट डाले हुए हैं, उनमें बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, वो जरूर देख लेना आप, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, अंडर साइड ऑफ बीम एंड आर्च अप टू 6 to 9 मीटर। देखिए बीम हो गया, आर्च होगी, आर्च हमारी कैसे होती है इस तरीके की, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्च, ठीक है, ये अपना आर्च हो गया, ये अपने पिलर हो गए, ये इनवेन एंट्री गेटों पर ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। देखिए बीम आर्च 6 मीटर to 9 मीटर स्पैन, अगर 6 से 9 मीटर का लंबा स्पैन है तो कितना चाहिए उसके लिए समय, 21 डेज, ध्यान रखना 21 डेज, 21 डेज। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, अंडर साइड ऑफ बीम एंड आर्च ओवर 9 मीटर स्पैन, अगर आपके साइड्स बीम आर्च या बेशक स्लैब का फ्लैट एरिया भी, ठीक है, अगर 9 मीटर स्पैन से ज़्यादा है, ओवर द 9 मीटर स्पैन, इसमें लिखा देखिए ओवर 9 मीटर स्पैन मतलब 9 या 27 30-32 फुट से ज़्यादा है, तो कितना समय देना हमें, 1 महीना, 28 डेज, 28 दिन हमारे होने चाहिए अगर आपको सेफ्टी से काम करवाना है तो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा रिमूवल ऑफ फॉर्म्स, या हम बोलते थे सेटरिंग, मतलब हम जब किसी चीज़ को कास्टिंग कर देते हैं, कॉलम बीम स्लैब छत, तो हमें जो अपने स्टैंडर्ड्स जो डेज हैं हमें कब खोलना चाहिए, वही सारी चीज़ें थी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप स्क्रीन शूट ले लीजिए, बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।